मुझे लगता है ग्वालियर की जनता ग्वालियर के बेटे को आशीर्वाद देगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात है तो मेरा स्वभाव नहीं है किसी के विषय में नकारात्मक बात करना, पर ग्वालियर ये अच्छे तरीके से जानते हैं हमारे ग्वालियर के परिजन कि कौन उनकी आवाज संसद में बहुत ताकत के साथ और न्यायपूर्ण तरीके से उठा सकता है। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक हमारे साथ हैं, ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है, क्या लग रहा है ग्वालियर की जनता आपको अपना आशीर्वाद देगी? मुझे लगता है ग्वालियर की जनता ग्वालियर के बेटे को आशीर्वाद देगी। ये बताइए, जहाँ जहाँ होर्डिंग्स लगी हुई है हर जगह आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि एक पढ़े लिखे बेटे को मौका मिलना चाहिए, बीजेपी के प्रत्याशी के आगे आप अपना जो कैंडिडेचर है वो उसे कैसे देख? ये दावा नहीं, ये तो सत्य है और सत्य को दावे की आवश्यकता नहीं होती। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात है तो मेरा स्वभाव नहीं है किसी के विषय में नकारात्मक बात करना, पर ग्वालियर ये अच्छे तरीके से जानते हैं हमारे ग्वालियर के परिजन कि कौन उनकी आवाज संसद में बहुत ताकत के साथ और न्यायपूर्ण तरीके से उठा सकता है। एक और अहम सवाल है कि आपके प्रचार में ये कहा जा रहा है कि आप जरा अकेले पड़ रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, जहां बीजेपी के सभी नेता उनके साथ नजर आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ कैंपेनिंग करें, कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से चेहरों की कमी इस कैंपेनिंग में खल रही है? ये बात सच है कि उनके पास प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, बड़े बड़े मंत्री है, प्रशासन का पूरा तंत्र है, पर आपने रामायण की वो चौपाई सुनी होगी कि रावण रथी अरथी रघुवीरा देख विभीषण हुआ अधीरा। हमारे साथ तो जो सारे लोग हैं, मेरे बड़े भाई सुनील भाई अंसारी जी, ये सब लोग हमारी ताकत हैं। ग्वालियर विधानसभा के परिजन हमारी शक्ति हैं। मैं निहत्ता जरूर हूं, पर ग्वालियर के परिजनों का आशीर्वाद मेरे ऊपर। एक और सवाल है मेरा, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी कल की जो घटना हुई है इंदौर में, ये क्यों हो रहा है? आखिर कांग्रेस में ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग साथ दे रहे हैं और ठीक बताइए चुनाव के बीच नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं, ये तो पूरी तरीके से एक सरेंडर मोड नजर आ रहा है। ये प्रश्न मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए था कि वो लोग क्यों लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं प्रवीण पाठक, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी को हरा पाना ग्वालियर के में इतना आसान नहीं होगा, लेकिन पूरी तरीके से दमखम से ये चुनाव लड़ रहे हैं। 4 जून को पता चलेगा कि प्रवीण पाठक के दावों में कितना दम है। कैमरामैन दिनेश के साथ अभिलाषा पाठक, ग्वालियर से अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।